नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग CSE या BLE चलाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को CSE या BLE के माध्यम से आप लोग को ट्रेनिंग देना है। CSE BLE यूजर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से बोला गया है कि आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रशिक्षण देना है। तो चलिए, कैसे प्रशिक्षण देना है उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को के मोबाइल में आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग ये लिखेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिखने के बाद डाउनलोड कराएँगे उसके मोबाइल में। डाउनलोड कराने के बाद आप लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर लॉगिन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग को अगर इंग्लिश भाषा में समझने में आसानी है तो आप लोग इसको इंग्लिश में रहने दीजिए। अगर आप लोग को इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग यहाँ पे कोने में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जिस लैंग्वेज में भाषा में समझने में आसानी होती है आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना भाषा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम पिन डालेंगे, जो कि विभाग के तरफ से एक एम पिन दिया गया है 4897। तो इसको आप लोग मोबाइल नंबर और एम पिन डालने के बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपना एम पिन चेंज कर लिया है तो उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से उसका एम पिन पूछ कर यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर और एमपिन डाल लेना है। डाल लेने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का यहाँ पे नाम शो कर जाएगा। देख सकते हैं कि जो भी अगर आप लोग के CSE केंद्र में या BLE केंद्र में आपके यहाँ कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ट्रेनिंग लेने के लिए आती है तो उसको यहाँ पे नाम शो कर जाएगा। आप लोग नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 मॉड्यूल दिए गए हैं, जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने के लिए बताया है, 0 से 6 महीने के बच्चे हैं, 6 से 3 साल के बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे हैं, किशोरवय लड़कियाँ और किशोरवय लड़के और दैनिक ट्रेकिंग, इन्हीं सभी के बारे में आपको उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देना है कि कैसे कैसे इसमें उनको काम करना है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा जानकारी इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे इस वीडियो को अगर CSE BLE यूजर्स देख रहे हैं और या आंगनबाड़ी सेविकाएँ भी देख रही हैं तो पोषण ट्रैकर ऐप से जितने भी आप लोगों को मैंने इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया है उसे रिकॉर्डिंग आप लोगों को कोई भी कमेंट है, अपने लोग के मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। लिस्ट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी गर्भवती महिला है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लाभार्थी का नाम जोड़े पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी लाभार्थी हैं उसके आंगनबाड़ी केंद्र में उन लोगों का यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पे पति का नाम लिख देना है, आधार संख्या डाल देना है, जन्म की तारीख डाल देना है, और अगर आप लोग जन्म की तारीख नहीं डाल सकते हैं तो सिर्फ जन्म का साल लिख देंगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आप कितने महीने से गर्भवती हैं ये पूछ रहा है, तो उसके यहाँ उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 9 महीना तक का यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो जितने महीने की गर्भवती महिला है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या यह आपकी पहली गर्भावस्था है, तो अगर यह पहली गर्भावस्था है तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, और पहली गर्भावस्था नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने पहले गर्भपात किया है, तो यहाँ पे हाँ या नहीं में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पर उस सारे डिटेल्स भरने के बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फिर से दूसरा ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा कि स्तनपान कराने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, थोड़ा सा बहुत चेंज है इसमें, तो इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिखेंगे, जो भी स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं उसके पति का नाम लिखेंगे, आधार संख्या लिखेंगे, जन्म की तारीख लिखेंगे। उसके बाद जन्म की तारीख नहीं पता है तो आप लोग जन्म का साल लिख देंगे। उसके बाद लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पर,
उसके बाद यहाँ पे जन्म की तारीख पूछ रहा है कि जब भी बच्चे का जन्म हुआ है उस समय की तारीख क्या है, उसके बाद यहाँ पे तारीख डाल देना है, उसके बाद बच्चा मेल है या फीमेल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आता है आपका, यहाँ पे 0 से 6 महीने के बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे फिर उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे 0 से 6 महीने के जो भी बच्चे हैं उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछ लेना है, सारा डिटेल्स वही बताएंगे आपको, यहाँ पे सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन करा देना है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर लाभार्थी का नाम लिखना है, यानी कि 0 से 6 महीने के बच्चे का नाम लिखना है, आधार संख्या लिखना है, अगर आधार संख्या है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जन्म का तारीख लिखना है, जन्म का साल लिखना है, उसके बाद बच्चा अगर मेल है या फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको, यहाँ पे पूछ रहा है पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, उसके बाद लाभार्थी का मोबाइल नंबर, यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय का वजन पूछ रहा है, तो जो बच्चे का जन्म का समय का वजन है यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बर्थ यूनिट हाइट, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय उसकी हाइट कितनी थी, यहाँ पे इंच में और सेंटीमीटर में भरना है। अगर आप लोग इंच में भरना चाहते हैं तो इंच में भर सकते हैं, अगर आप लोग सेंटीमीटर में भरना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका इंच में उस बच्चे का हाइट है उसको यहाँ पे डाल के फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसको यहाँ पे हम लोग फिर से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर से हम लोग लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने से 3 साल के बच्चे का यहाँ पे कैटेगरी ओपन है, तो यानी कि 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे का ही इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। फिर से आधार संख्या डालेंगे, आधार संख्या है तो डालेंगे, नहीं वरना इसको भी छोड़ देंगे। जन्म की तारीख डालेंगे, जन्म का साल डालेंगे, बच्चा मेल है या फीमेल उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पिता का नाम डालेंगे, उसके बाद माता का नाम डालेंगे, लाभार्थी का मोबाइल नंबर या पिता माता किसी का भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को फिर से हम लोग सबमिट कर देंगे, तो हमारा फॉर्म जो है कि 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है 3 से 6 साल के बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर से यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही हमको डिटेल्स भरना है कि 3 से 6 साल के बच्चे का डिटेल्स भरना है, तो यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिख देंगे, जो भी बच्चे हैं उसका नाम लिख देंगे, आधार संख्या डाल देंगे, जन्म की तारीख डाल देंगे, यहाँ पे जन्म का साल डाल देंगे, तारीख नहीं डालेंगे तो यहाँ पे साल डालेंगे, बच्चा मेल है या फीमेल उसको सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो ये भी हम लोग का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या पूछ रहा है, तो जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं उनको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर बन गया है तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं बना है तो बिना आधार कार्ड के भी यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किशोरवय लड़कियाँ हैं, और इसको आप लोग कैसे सबमिट करेंगे, तो जो किशोरवय लड़के हैं तो आप लोग लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी का नाम, आधार संख्या, जन्म की तारीख, जन्म का साल, पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और फिर उसके बाद सबमिट। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी अनपढ़ बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे किशोरवय लड़कियों में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, वरना नहीं करना है। यहाँ पे 11 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 या 3 क्लास 5 क्लास तक पढ़ के यहाँ पे उसने पढ़ाई आगे का बंद कर दिया है, उसी लड़के लड़कियों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आगे, किशोरवय जो लड़के हैं उनका हम लोग लिस्ट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करेंगे, इसमें भी वही कंडीशन रहेगा जो कि किशोरवय लड़कियों का, इसमें कंडीशन है कि जो अनपढ़ किशोरवय लड़कियाँ हैं उन्हीं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो किशोरवय लड़कियों में भी जो अनपढ़ हैं, जो कि 2-4 क्लास 5 क्लास तक पढ़ के यहाँ पर छोड़ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर आता है दैनिक ट्रैकिंग। दैनिक ट्रैकिंग में आप लोगों को क्या बताना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो दैनिक ट्रैकिंग में आपको लिस्ट ओपन करना है,
लिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सबमिट करें और जारी रखें पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उपस्थिति हाजिरी HCM THR, जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए अभी स्कूल नहीं खुल रहा है, तो आप लोग इसमें कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आपको स्कूल खुलेगा तभी आप लोग के यहाँ पे उपस्थिति हाजिरी या THR, जो महीने में आप THR बांटते हैं उसको यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्लिक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो गतिविधि है आप लोग उसके बाद यहाँ पे गतिविधि को ओपन करेंगे। यहाँ पे गतिविधि में जो भी यहाँ पे गतिविधि पूछ रहा है उसके बाद यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे दैनिक ट्रैकिंग में आपका यहाँ पे हाजिरी बन जाएगा। तो अगर आप लोग भी VLE यूज़र हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है, नाम डाल देना है आपको, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिससे आप लोग VLE रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसके बाद यहाँ पे VLE ID आप लोग को डाल देना है, उसके बाद जारी रखे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक और पेज नया ओपन हो जाएगा, उसको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा आप लोग यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को डाल के आप लोग को यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन पूछेगा, तो आप लोग को रेटिंग यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आप लोग को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आप लोग को यहाँ पे जिस भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आप लोग ट्रेनिंग देंगे उसके बाद ये आप लोग को काम कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सरकार के तरफ से आपको पर आंगनबाड़ी के ट्रेनिंग के बाद आप लोग को यहाँ पे ₹32 मिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, तो आप लोग भी अगर CSE VLE हैं तो आप लोग इसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक अच्छी जानकारी देंगे जो कि उनको समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।